और जिस तरह नई नई बीमारियां पैदा होती हैं तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर तबीब मौजूद होते हैं, नई बीमारी की दवा खोजते चले जाते हैं। अगरचे कुछ अरसे तक उस बीमारी की दवा ना मिले, मौजूद होती है, क्योंकि किसी चीज़ को ना पाना ये उसके ना होने की तो निशानी नहीं कि वो है ही नहीं और मिली नहीं। हदीस शरीफ में तो फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा ना भेजी। हाँ, डॉक्टर वो मायूस होकर कह दे तो अलग बात, साहब ये तो ला इलाज है। अब ला इलाज का मतलब होता है ला इलाजा इंदी, हमारे हजरत हरदोई नबल्ला फरमाया करते कि वो ये कहता था डॉक्टर कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, मगर उसको जुमले को मुख्तसर करके ला इलाज कहा तो इसका मतलब ये हो गया इसका कहीं इलाज नहीं। जैसे ही बीमारी जो कोरोना इस वक्त मशहूर है, अल्लाह ताला के इल्म में तो इलाज होगा जब बीमारी है तो, है कि नहीं? अगर बीमारी है तो इलाज है, बस अभी तक उस तक हाथ पहुंचा नहीं है नहीं? और पहुंच भी सकता है, लगे हुए हैं। तो भाइयों, जब जिस्मानी बीमारियों के मुआलिजीन भी पैदा होते रहते हैं और नई नई बीमारियों का इलाज दरियाफ़ कर लेते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि रूहानी ईमानी बीमारियों के मुआलिज ना हो? अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में जो मैंने पढ़ी ये खबर दी कि तुम सच्चों के साथ रहो, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला का पास और लिहाज रखो, और ये डर अल्लाह ताला का ख्याल ये पैदा होगा अल्लाह वालों के साथ रहने से। उसमें आगे जो अगले जुमले में तरीक़ा बताया कि अल्लाह का तकवा हासिल करो और सच्चों के साथ रहो, बड़े गुनाहों से बचो, नामुनासिब चीज़ों से बचो, कुफ्र व शिर्क से तो हर मुसलमान बचता है, ये तकवा तो आम है, लेकिन नहीं, कोई भी बड़ा गुनाह हो उससे भी बच रहा है, किसी भी गुनाह का मुर्तकिब नहीं है। बड़े गुनाह कभी कभार हो गया तो जल्दी से तौबा कर ले, जल्दी से तौबा कर ले सच्चे दिल से कि अब नहीं करूँगा, तो ये भी उस विलायत के मुनाफी नहीं। तो ये कैसे हासिल होगा? अकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। औलिया अल्लाह जो जो अमल के जामे हैं, दोनों तरह ज़ाहिर शरीयत पर भी और बातिन शरीयत पर, दोनों पे अमल पैरा है। तो ये आयत करीमा क़ियामत तक रहेगी, कुरान क़ियामत तक रहेगा, उसकी हर हर आयत रहेगी। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ रहो, तो ज़रूर उन सच्चों का और अल्लाह वालों का क़ियामत तक इंतज़ाम रहेगा। ये थोड़ी हो सकता है कि सच्चों के साथ अल्लाह वालों के साथ रहने का तो हुक्म दिया जाए और उनका इंतज़ाम हो नहीं। जब ये खबर दी है तो ज़रूर वो मौजूद रहेंगे। हाँ, तनासुब घट सकता है, जो मैयार होता है, पहले बायजीद बुस्तामी जुनैद बगदादी थे, अब उनकी जगह भी हैं, अगरचे उनके शायान शान उनके हम पल्ला नहीं, फ़र्क तो होगा, जिस्मानी क़ुव्वत में भी तो फ़र्क हो जाता है, पहले जो क़ुव्वत थे अब नहीं, ऐसे ही इन चीज़ों में भी, मगर रहेंगे। हमारे हज़रत हरदोई नबल्ला फरमाते हैं कि सिर्फ़ नबूवत बंद है, विलायत बंद नहीं है, उसका दरवाज़ा तो खुला है। हाँ, नबी कोई नहीं हो सकता, सारे उम्मती होंगे अल्लाह के रसूल के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे।
मोहतरम बुज़ुर्गों, तो जब अल्लाह वाले मौजूद हैं, अब उनकी जांच के लिए, उनकी परख के लिए हमें इल्म चाहिए। उस इल्म के मेयार के मुताबिक हम तलाशें भी मिल जाएंगे। और हमारे बुज़ुर्गों ने अपने इलाज व मुआलजे के लिए भी सब तरह की शक्लें ऐसी बयान फरमा दी कि कोई ये नहीं कह सकेगा कि अब मैं क्या करूं। एक शख्स को बुज़ुर्गों से कामिल मुनासिबत नहीं है, चाहता है कि मैं इनसे हूँ मगर दिल पूरा मुतमईन नहीं, फिर कहीं और गया वहाँ भी मुतमईन नहीं, फिर कहीं और चला गया वहाँ भी, तो कहा वो भी महरूम ना रहे, जब जैसी ज़रूरत पड़े अपनी इस्लाह से मुतालिक किसी से भी मशवरा ले, बस वो मुस्तनद होना चाहिए, उनसे मशवरा लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अब एक ही से ले, क्योंकि उसका दिल तो मुतमईन नहीं, और मुतमईन हो जाए फिर तो यक दरगीर मोहकम गिर पे अमल, फिर इधर उधर न भटके, फिर उनसे इस्तेफादे में हुकूक सोहबत और हुकूक इस्तेफादा को अदा करें। चार शर्तें लाजमी हैं इस्तेफादा के लिए। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, चार शर्तें लाजमी हैं इस्तेफादा के लिए, इत्तिलाओ इत्तिबाओ एतिकादो इन्कियाद। अपने हालात की इत्तिला और उनकी तरफ से जो हिदायात हो उसकी इत्तिबा, और एतिकाद कि मेरे इलाज और मेरी इस्लाह के लिए ये काफ़ी है, मुझे अगरचे बड़े बड़े लोगों का पता है, बुज़ुर्गों का दूर भी करीब भी, मगर मेरे लिए यही बहुत है। जैसे जिस्मानी इलाज में हम सबसे बड़े डॉक्टर को तो नहीं दिखाते, बड़े बड़े होते हैं मगर हम अपने मकामी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो इतना एतिकाद के मेरे नफ़े के लिए ये काफ़ी हैं, बस ये एतिकाद काफ़ी होगा। और इनकियाद दिल से इत्तिबा करे, एक तो है इत्तिबा नागवारी से, शुरू में नागवारी भी होगी मगर फिर धीरे धीरे ऐसा इनकियाद होगा कि वो जो कहेंगे वो उस पर अमल। जिस्मानी इलाज में नहीं करते साहब, एक जांच होगी, एक सिरिंज खून निकाला जाएगा तो ये होगा, तो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वहाँ कैसी इत्तेबा दिल से करते हैं। डॉक्टर अगर बुलाता है जिस तारीख में बुलाता है उस तारीख में आते हैं, ऑपरेशन की तारीख दे दी, ऑपरेशन का पता है और फिर भी वक्त पर पहुँच रहा है, दिल से कहा माना जाता है। ऐसे ही इंतजार पूरी पूरी इतार, जब ये हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह देर नहीं लगेगी। हकीकत में कामिल मोमिन बनने के लिए, और अल्लाह ताला ने जिन कामों से गुनाहों से रोका है उनसे बचने के लिए, बचते रहने के लिए, उम्र भर तक बचा रहे, इसके लिए बस किसी अल्लाह वाले और किसी बुज़ुर्ग से वाबस्तगी ज़रूरी है।